कैंडिडेट को करनी चाहिए। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि हर पैमाने पर न केवल मैं पास था, हर पैमाने पर मुझे पास करवाने वाले आप सभी लोग। हमने एक सपना देखा था कि हम साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे, टिकट हासिल करके चुनाव लड़ेंगे और जीत करके कांग्रेस की सरकार में सहयोगी की तरह इस हलके की सेवा करने का पूरा निरंतर 5 साल प्रयास करेंगे। और ये कहते हुए मैं आप लोगों के बीच में शर्मसार हूं कि जो उम्मीद आपने मेरे से पाली थी उसको पूरा करने में मैं सक्षम नहीं रहा, मैं नाकाम रहा। मैं किस पैमाने पर पार्टी ने मेरे बारे में नहीं सोचा, मैं इस बात का जवाब देने के लिए भी सक्षम नहीं हूं। आप स्वयं हर व्यक्ति हर साथी ये जानता है कि आपके उम्मीदवार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, मगर पार्टी का फैसला है। मैं आज केवल मात्र आपका धन्यवाद करने आया हूं। जो ऋण आपने मेरे पे चढ़ाया है पिछले 2 साल से, देखो आप लोगों के सहयोग से मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी वीरेंद्र सिंह लगातार कामयाब हो गए और आप लोगों के सहयोग से ही हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य पे जिस प्रकार की मोहर हम लगाना चाहते थे, जिस प्रकार का प्रयास हमने किया था, मैं नहीं मानता कि 90 हलकों में उस प्रकार का प्रयास कहीं भी उस प्रकार का साकार प्रयास हुआ। आज आपके बीच में आकर के एक बात कहने के लिए आया हूं, आपकी राजनीतिक आशाओं और आपकी राजनीतिक इच्छाओं को तो शायद मैं पूरा नहीं कर पाया, मगर एक इंसान के रूप में जहां कहीं जिस प्रकार की संभावना हुई आपकी मदद करने की, आपका सहयोग करने की, मैं तह जिंदगी इस ऋण को नहीं उतार पाऊंगा। जिस प्रकार की मदद मैं आपसे अपनी हैसियत में कर पाऊंगा मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूंगा और आपको नीचा नहीं देखूंगा। आप लोग लगातार सतत प्रयास मेरे लिए किया, बार बार मैं आप लोगों का धन्यवाद करते हुए आज की इस मीटिंग का अंजाम यहीं तक है, क्योंकि मेरा केवल और केवल मात्र एक ही वजह मेरे को यहाँ आने के लिए प्रेरित करती थी कि जिस प्रकार से लोगों ने दिन और रात मेहनत करके, मेरे से ज्यादा मेहनत करके मेरे को इस मुकाम पे पहुंचाया, तो ये मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं कम से कम आप लोगों के बीच आ करके आप लोगों का धन्यवाद करूं। मैं हमेशा 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 आपका ऋणी रहूंगा। बात को ना बोलना नहीं भाई, आप तो फसल होगा।